नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में बहुत बड़ी हलचल मची हुई है। एक तरह से कहिए कि भूचाल सा आया हुआ है और सत्ताधारी पार्टी शिवसेना टूट के कागार पे है। उद्धव ठाकरे सरकार के 3 मंत्रियों समेत 26 शिवसैनिक विधायक बगावत पे उतरे हुए हैं। कांग्रेस के कई विधायकों के भी नाराज होने की सूचनाएं आ रही हैं। और देखिए, ये जो स्थितियां बन रही हैं, अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। उद्धव फिलहाल डैमेज कंट्रोल करने में जुटे हुए हैं और शिवसेना के दिग्गज नेता मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र पाठक गुजरात पहुँच चुके हैं, जहाँ पर उन्होंने बागी नेताओं से बातचीत की है। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की महाविकास आघाड़ी सरकार इस समय भंवर में हिटकोले खा रही है, झूल रही है, फंसी हुई कह सकते हैं आप, और संकट उस पर मंडरा रहे हैं। दरअसल शिवसेना के मंत्री एकनाथ शिंदे काफी कद्दावर नेता हैं। उन्होंने कुछ विधायकों के साथ अचानक से बगावत कर दी और पिछली वीडियो में मैंने बताया भी आपको कि उनकी बगावत का रीज़न क्या है। पार्टी के संपर्क से वो दूर है। उन्होंने गुजरात के सूरत के एक होटल में डेरा डाला हुआ है और शिंदे के बागवी तेवरों को देखते हुए शिवसेना ने उन्हें विधायक दल के नेता से हटा दिया है। हालांकि उन्हें मनाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। मतलब उद्धव ठाकरे सब कुछ अपने हाथ में रखना चाह रहे हैं, उन्हें मना भी रहे हैं, उन्हें उनके पोस्ट प्रोफाइल से हटा भी दिया है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शिंदे से फोन पे बात भी हुई है। दोनों नेताओं ने करीब 15 मिनट बात की है। अगर 15 मिनट बात की है तो आप ये समझ लीजिए कि राजनीति में जैसे लेन देन को लेके बात होती है, पोस्ट प्रोफाइल विभाग सब कुछ इस पे जो बात होती है, वही बात उनके बीच में भी हुई होगी। एक दिन पहले ही सोमवार को विधान परिषद चुनाव में क्रॉस फुटिंग होने की आकांक्षाओं के बीच एकनाथ शिंदे के कदम से राज्य में सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी की स्थिरता सवालों के घेरे में आ चुकी है। शिंदे ने ट्वीट किया, हम बाला साहब के पक्के शिव भगत हैं, यानी कि वो कह रहे हैं कि हम बाला साहब के पक्के शिव सैनिक हैं। बाला साहब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है। बाला साहब के विचारों और धर्मवीर आनंद दीघे साहब की शिक्षाओं के बारे में सत्ता के लिए हमने कभी धोखा नहीं दिया है, ना कभी धोखा देंगे। वहीं शिंदे के चौंकाने वाले कदमों के बीच पूर्व सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और उनका लगातार बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत हो रही है। और महाराष्ट्र का जो हलचल चल रही है उस पर नज़र रखे हुए बीजेपी भी, हालांकि वो चुप है। और बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने महाराष्ट्र के ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम से उनकी पार्टी का कोई संबंध नहीं है, ऐसा कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर शिंदे सरकार बनाने का प्रस्ताव लेके आते हैं तो भाजपा इस पर जरूर गौर करेगी। इससे पहले दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में तीसरी बार सरकार गिराने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि वो बीजेपी को कोस रहे हैं इनडायरेक्टली। और उन्होंने ये भी कहा कि यह शिवसेना का आंतरिक मामला है और उद्धव ठाकरे की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपनी स्थिति को संभाल ना सके। दोनों तरफ वो बैलेंस बना के चल रहे हैं। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बीजेपी पे आरोप लगाते हुए कहा है कि गुजरात से ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। और संजय राउत ने ये भी इशारा किया है कि विधायकों के परिजनों से उनकी बातचीत हुई तो वो ये कह रहे हैं कि उनका अपहरण हो गया है, पुलिस इस पर कार्रवाई करे। सारी चीज़ें जो है कुल मिला के काफ़ी कंफ्यूजिंग है। अब अगर विधायक अंडरग्राउंड हैं, कहीं गायब हैं, आगे मैं आपको बताऊंगी कि वो कहाँ ठहरे हुए हैं, तो इससे आप ये नहीं कह सकते कि उनको ज़बरदस्ती कोई ले गया है। शिंदे और शिवसेना के कुछ अन्य विधायकों के अचानक से गायब हो जाने के बाद उद्धव को मुंबई में अपने आंतरिक आवास वर्षा पे एक एमरजेंसी मीटिंग भी वो कर रहे हैं। और इस मीटिंग में सीएम ठाकरे ये समय एक मैसेज दे रहे हैं कि पार्टी पे कोई संकट नहीं है।
बैठक के बाद एकनाथ शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटा दिया गया और उनकी जगह शिवसेना ने अजय चौधरी को विधायक दल का नेता बनाया है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने दो विधायकों को सूरत भेजा जो बागी विधायक हैं उनको मनाने के लिए। और सूरत के होटल ले मेरिडियन में वो पहुंचे हुए हैं और वहां पे विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। इधर रश्मि ठाकरे और फिर सीएम उद्धव ठाकरे से भी उनकी बातचीत हुई है। उद्धव ने उन्हें वापस लौटने के लिए कहा है और ये भी कहा है कि वो अपने फैसले पे एक बार फिर से सोच लें। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रात तक गठबंधन दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ। कुछ ही घंटों में कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है निकल के सामने आने वाली हैं। अजीत पवार की ठाकरे के साथ बैठक होगी। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने एमई सरकार किसी तरीके का खतरा होने की आशंकाओं को खारिज कर दिया है। कांग्रेस के मंत्री बालासाहेब थोराट ने कहा है कि उनकी पार्टी शिवसेना के घटनाक्रमों पर करीब से नज़र रखे हुए है और उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की है, ज़रूरत पड़ी तो एमबीए की बैठक भी होगी। अच्छा, ये जो विधायकों की संख्या का एक गणित है, मैंने अभी एक वीडियो बनाई उसमें मैंने आपसे शेयर किया था कि महाराष्ट्र की 288 सदस्य विधानसभा में बीजेपी के 106 और शिवसेना के 55 और एनसीपी के 53 कांग्रेस के 44 और बहुजन विकास अघाड़ी के 3 समाजवादी पार्टी AIIM व प्रहार जनशक्ति पार्टी के 2 विधायक हैं। वहीं मनसे, माकपा, PWP, स्वाभिमानी पक्ष, राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी, जन सुराज्य शक्ति पार्टी और क्रांतिकारी शेतकारी पक्ष के पास राज्य विधानसभा में 1-1 विधायक है। महाराष्ट्र विधानसभा में निर्दलीय विधायकों की संख्या 13 है। एमबीए के अन्य घटकों राकपा और कांग्रेस के नेताओं ने हालांकि ये दावा किया है राज्य सरकार की स्थिति पे कोई खतरा नहीं है, वो स्थिर है, कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन मैं आपको बताऊं कि विधानसभा परिषद में एमबीए को झटका लगने के कुछ घंटों के बाद ही ये घटनाक्रम हुआ है जिसके नतीजे सोमवार रात को घोषित किए गए थे। चुनाव में बीजेपी ने उन 5 सीटों पर विजय हासिल की जिन पर उसने किस्मत अजमाई थी, जबकि उसके पास महज 4 उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए जरूरी वोट थे। शिवसेना और एनसीपी के खाते में 2-2 सीटें गईं। वहीं कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों में से 1 को हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, इस समय महाराष्ट्र में जो स्थिति है काफ़ी कंफ्यूजिंग है। आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ क्या होगा, कुछ ही पलों में क्या हो सकता है, क्योंकि लगातार सब जगहों पे मीटिंग चल रही है अपने अपने लेवल पे। और रात को एक और इम्पॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, उसमें ये तय किया जाएगा कि कौन किसका साथ देगा और किसके पास क्या है जो वो पार्टी को समर्पित कर सके। दोस्तों, मैं आपसे एक गुजारिश करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप अपना प्यार दिखाते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक कर सकते हैं। अपनी राय मुझे देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। फिलहाल इतना ही, और आज आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए हमेशा की तरह, और फिर मिलती हूँ मैं आपसे किसी और बड़े अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।